बेंगलुरु में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक इंटरैक्टिव सेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रमुख उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के अवसरों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और मध्य प्रदेश भी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश अब एक ऊर्जा संपन्न राज्य के रूप में उभर रहा है, जिसमें 23% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही आईटी, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और विभिन्न उद्योगों संघों के बीच MOU पर भी हस्ताक्षर हुए, जो राज्य में भविष्य में निवेश को बढ़ावा देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बदलते परिदृश्य में देश के प्रमुख अनुकूल अवसर होने के साथ चुनौतियां भी मौजूद हैं। अपनी क्षमताओं के आधार पर यह विश्वास है कि हमारा भविष्य उज्ज्वल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में देश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उचित मार्गदर्शन, लेटेस्ट तकनीकी का उपयोग, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति, लगन और परिश्रम के साथ नई रिसर्च की परंपरा के बल पर भारत औद्योगिक केंद्र के रूप में विश्व में अपना स्थान बना रहा है। उन्होंने कहा देश में आरंभ एक नए स्टार्टअप में भी इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सीएम मोहन यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, टाई ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशल इंडस्ट्रीज के मध्य MOU पर हस्ताक्षर भी हुए। देखिए, बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है, वहाँ भी काम है, और कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है, तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके IT सेक्टर से लगा करके, एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से भी मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है, सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिलकर के बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ। मुझे संतोष है, लगातार सभी प्रकार के लोगों ने इसमें उत्साह दिखाया।